हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस। जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 से लेकर 23 का क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, उसी के सीरीज में आज ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है। ठीक है, हम लोग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि पी वाई क्यू जो को सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से यूपीएससी एग्ज़ाम में ऑप्शन के थ्रू जो है क्वेश्चंस को रिपीट करता है। ठीक है, तो अगर आपने एक एक क्वेश्चन को गहराई में अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आपको नॉलेज भी बढ़ेगा, प्लस आपको पी वाई क्यू के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोस्तों बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार क्लियर कर दीजिए कि साउंड अच्छे से आ रहा है। ठीक है, और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं अपने दोस्त लोगों से बता दीजिए। ठीक है, और स्क्रीन साफ दिख रहा है वो बताइए। मैंने एक चीज़ आप लोग के लिए किया है कि आपको इसको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका नोट्स आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, किसी कोई भी इसका कोई भी फी नहीं है। ठीक है, डिटेल में इसका सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे, जैसे ही क्लास खत्म होगा तुरंत सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एक बार बस क्लियर कर दीजिए कि साउंड ठीक से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 मिनट के अंदर क्लास हम 7:50 से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग आज 2016 के क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों, और इसमें हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को। ठीक है, हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को इस बार देखेंगे आज। ठीक है, तो देखिए अगर हम डायरेक्टली सिर्फ स्पेसिफिक ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को बात करें, इन्वायरमेंट नहीं अगर उसमें जोड़ें, तो टोटल 2016 में जो क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों वो 1, 2, 3, 7 क्वेश्चंस आए हैं, मतलब जो कोर ज्योग्राफी का है। वैसे करंट अफेयर में भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं, तो आज हम लोग 2016 के ज्योग्राफी को जो 8-9 क्वेश्चन आए हैं उसको देखेंगे, फिर 2017 के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इन्वायरमेंट का लेक्चर का इन्वायरमेंट का जो मैराथन क्लास है वो हमारा सैटरडे संडे को होगा, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए मैंने आपके लिए एक सॉल्यूशन बनाया है दोस्तों, उसको हम एक बार बस आपको सेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके पहले चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन हम क्लास खत्म होने के बाद दे देंगे। ठीक, तो देखिए दोस्तों ये एक तरफ देख सकते हैं 2016 का क्वेश्चन हमारे साथ पास खुला हुआ है। ठीक है,
एक तरफ इंग्लिश में पीडीएफ है और दूसरी तरफ हिंदी में पीडीएफ है, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे उसको पढ़ें समझें, ठीक है। और इसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स हमने बनाया है आपके लिए सोल्यूशन का, तो हम आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए दे देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको पेमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पढ़िए, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स मैंने बहुत ही गहराई में एक एक क्वेश्चन का बनाया है, तो जो जो मैं डिस्कस करते जाऊंगा उसी का मैंने नोट्स बनाया है, ठीक है। बस आप ध्यान से क्लास को सुनिएगा और देखिएगा कि किस तरह से यूपीएससी में हम लोग पीवाईक्यू को सॉल्व करके क्वेश्चन को सही करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखेंगे। चलो देखो, तो क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से आया है दोस्तों, ये 2016 का हमने पेपर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो क्वेश्चन ज्योग्राफी से आया है वो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जब आएंगे तो ये देखिए, ये ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हम बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को मैं ऑलरेडी पढ़ाऊंगा अलग से, लेकिन कुछ जो टॉपिक इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी में कंबाइन है उसको यहीं पे हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन मैंने आपके लिए दिया है। चलिए सॉल्यूशन भी मैं आपके लिए खोल देता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट बस मुझे समय दीजिएगा, सॉल्यूशन में बस डाउनलोड करके जो मैंने बनाया है उसको मैं आपको जो है देखिए दोस्तों, ये मैंने आपके लिए सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ठीक है। या 13 से पहले हम सीरियल नंबर वाइज करते हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से जो आया है यहाँ पर मैंने 28 का बनाया है, 28 क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखो देखो बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का ट्रिब्यूटरी क्या है। तो इस क्वेश्चन से सिर्फ हमें ये नहीं पढ़ना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी कौन सा है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है, दिबांग, कामेंग और लोहित, ये हमारा क्वेश्चन है, क्लियर। अब देखो, तो क्या सिर्फ ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी पढ़ने से हो जाएगा क्या, नहीं, हमें ब्रह्मपुत्र का डिटेल में जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिटेल में बता रहे हैं, आप सुनिए। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको पीडीएफ भी खोल देते हैं ताकि आपको जो मैंने बनाया है वो आपको पता चले। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर हम देखें तो इसका जो ओरिजिन है दोस्तों, उद्गम स्थल है कि कहाँ से ये निकलता है, तो ये तामचौक कम्बात कॉर्टेम जो चेम यांगदुंग ग्लेशियर है दोस्तों, वहाँ से ये निकलता है, ठीक है। और ये जो ग्लेशियर है उसके बगल में ही कांगलुंग कांग ग्लेशियर है, तो ये भी सही है। और आंगसी ग्लेशियर जो कैलाश रेंज में है, कैलाश की पहाड़ी है वहाँ पे, तो वहाँ पे निकलता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपका चाइना में निकलता है, जो कैलाश पहाड़ी चाइना में भी है, इंडिया में भी है, तो जो चाइना वाला पार्ट है तिब्बत में, जिसके पास कांगलुंग कांग ग्लेशियर है या फिर तामचोक कांबात चोरटेम जगह है या चेम यांगदुंग ग्लेशियर, वहाँ पे ये निकलता है, ठीक है। और यहीं पे आपको मानसरोवर झील है, तो वहीं से निकलता है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद यहाँ से जो नदियाँ निकलती है दोस्तों, वो सतलुज और करनाली नदी भी निकलती है अगल बगल ही, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको रेड रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको असम की मिट्टी के कारण ये नदी जो है लाल हो जाता है, इसीलिए इसको रेड ग्लेशियर भी, रेड नदी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी में माजुली आइलैंड जो है एशिया का सबसे बड़ा
नदी द्वीप है माजुली आइलैंड, वो यहीं पे है। ठीक, अगर हम बात करें कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग सांगपो नदी बोलते हैं, सांगपो का मतलब होता है प्यूरीफायर, जो प्यूरीफाई कर देता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग या सियांग कहते हैं। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी में अगर हम सहायक नदी की बात करें, ठीक है, तो इसकी लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरी है, जो इसको बाएं से मिलती है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बह रहा है तो कुछ नदी बायां से मिल रहा होगा, ठीक है, और कुछ नदी दायां से मिल रहा होगा। तो अगर हम बायां से नदी का बात करें जो ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रही है, ठीक है, जो इसकी सहायक नदी है, वो है आपका, देखिए आप पढ़िए, बूढ़ी दिहंग, ठीक है, देसांग, दिक्कौ, बोगडोई, धनसिरी, ठीक है, साउथ। धनसिरी की दो नदी है, एक है साउथ और नॉर्थ। तो धनसिरी जो दक्षिण से आती है, धनसिरी साउथ, वो नदी इसमें मिलती है। इसके अलावा जो कोपीली नदी है दोस्तों, ठीक है, कोपीली नदी, ये भी आपका ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। उसके बाद जो कुलसी नदी है, वो भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो ब्रह्मपुत्र में बायां से मिलती है, मतलब साउथ से मिलती है, दक्षिण से मिलती है। और जीन जिन जीरान, ये भी जो नदी है, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो लेफ्ट से मिलती है। ठीक, समझ गए। अगर हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र को दायां से कौन से मिलती है, दायां मतलब ऊपर से, नॉर्थ से, तो लोहित नदी है, दिबांग है, सुबानसिरी है, कामेंग है, अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नदी बहती है। उसके बाद जिया भराली असम में एक सहायक नदी है, जो असम में बहती है। धनसिरी नॉर्थ, धनसिरी की, धनसिरी दो नदी है, साउथ और नॉर्थ। जो धनसिरी साउथ है वो लेफ्ट तरफ से मिलती है, ठीक है, लेफ्ट माने नीचे से ब्रह्मपुत्र को, और धनसिरी जो नॉर्थ है वो आपका ऊपर से मिलती है ब्रह्मपुत्र में, दक्षिण से, ठीक है। सुवर्ण रेखा जो नदी है, ठीक है, जो सुवर्ण रेखा नदी है वो नहीं है, सुवर्ण रेखा नदी वो झारखंड में बहती है, वो नहीं है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। उसके बाद मानस नदी, ये भी ब्रह्मपुत्र की है। टोरसा नदी, संकोस नदी और तीस्ता नदी, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, समझ गए आप। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन क्या है, कौन कौन सा नदी, तो आपने देखा कि दिबांग भी था, कामेंग भी था, लोहित भी था। तो हमने ब्रह्मपुत्र नदी का सिर्फ सहायक नदी नहीं देखा, कहाँ से वो ऑरिजिन करती है वो भी देखा, ठीक है, और उसको असम में क्या बोलते हैं वो भी देखा, उसको अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं वो भी देखा, और फिर बहुत ही सहायक नदी का हम लोग बात किए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। समझ में आ गया। चलो उसके बाद देखो, हमें क्वेश्चन पूछा है ज्योग्राफी में, वो क्वेश्चन नंबर आइए आप, क्वेश्चन नंबर 74। मैंने जब सॉल्यूशन बनाया तो उसमें लिख दिया है कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 में आइए आप। ठीक है, अभी हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर जब 74 में आएंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, देखिए बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर सेल गैस रिसोर्स फाउंड, भारत के किस क्षेत्रों में सेल गैस हमें मिलता है। ठीक है, भारत के किन क्षेत्रों में हमें, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में सेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं, कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। नीचे दिए गए कुट का सही प्रयोग किए। अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि एक सब्जेक्ट का एक साथ अगर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, समझ में आया, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किस में सेल गैस पाया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको पहले ही जो है साइंस टेक में सेल गैस के बारे में डिटेल में पढ़ाया दोस्तों, ठीक है, कि सेल गैस जो है वो सेडिमेंट्री चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन देखिए, तो जो सेल गैस है वो सेडिमेंट्री रॉक और अवसादी चट्टान में मिलता है। ठीक है, और उन वैसे चट्टान जो फाइन ग्रेन होते हैं, जिसमें कण जो है बहुत महीन होता है, और जो नॉन पोरस होता है, मतलब छेदा नहीं होता है, जिस रॉक में, जिस पत्थर में, वहाँ पे हमें सेल गैस मिलता है। ठीक, भारत में 6 जगहों को सेल गैस, सेल 6 जगहों को पहचाना गया है जहाँ पे हमें सेल गैस मिलता है, वो कौन कौन सा है। तो देखो, कैम्बे बेसिन है, कैम्बे माने खंभात, खंभात में जो गुजरात है, गुजरात में जो खंभात है वहाँ पर मिलता है।
फिर नॉर्थ ईस्ट में जो असम है और अराकन की पहाड़ी है वहाँ पे मिलता है, फिर मध्य भारत सेंट्रल इंडिया में गोंडवाना में मिलता है, ठीक है, फिर कृष्णा गोदावरी में मिलता है जो ईस्ट कोस्ट में है, पूर्वी तट पे है, कावेरी नदी में मिलता है और इंडो गंगेटिक इंडिया और गंगा के मैदान में मिलता है। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ नदी है वहीं पे हमें सेल गैस जनरली मिल रहा है, चाहे वो खंभात की खाड़ी में जो नदी मिल रहा है उसके कारण, असम अराकन में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, गोंडवाना जो सेंट्रल इंडिया है दामोदर नदी के आसपास का क्षेत्रीय एरिया, कृष्णा गोदावरी के आसपास का एरिया, इंडिया और गंगा के आसपास का एरिया और कावेरी के आसपास एरिया। तो हम देख रहे हैं कि भारत में भी सेल गैस के भंडार हैं। अगर हम विश्व में बात करें कि सेल गैस का सबसे ज़्यादा जो है आपका कहाँ होता है, तो होता है अमेरिका में। अमेरिका में सबसे अच्छा अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है सेल गैस का, इसलिए आप अमेरिका उतना ज़्यादा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है। और भारत भी सेल गैस को अमेरिका से लाने का कोशिश कर रहा है। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कि सेल गैस को निकालने के लिए हमको उसको दो टेक्निक यूज करना पड़ता है, एक को बोलते हैं हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग एंड हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। जैसे मान लो ये पत्थर का पत्थर है, ठीक है, यहाँ पे आपको सेल गैस है, तो ये पत्थर को तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करते हैं, मतलब पानी की मदद से रॉक को तोड़ते हैं, ऊपर से ड्रिल करते हैं और पानी छोड़ते हैं और यहाँ ड्रिल लगा होता है, पानी आता है और ये ड्रिल घूमता है और वो काटता है पत्थर को। तो पानी जब तक गाढ़ा नहीं होगा दोस्तों, तो तब तक पानी पतला पानी से हम पत्थर को तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए पानी को गाढ़ा करने के लिए हम लोग उसमें ग्वार गम मिलाते थे पहले। ग्वार गम आप जानते हैं, ग्वार फली जो राजस्थान में होता है वो वाला करवाएंगे 2011 से लेकर 2023 के क्वेश्चन को हम लोग कराएंगे, ठीक है, 2011 से लेकर 2023 का करवाएंगे, ठीक है। तो अब पहले लेकिन उसके तो पहले राजस्थान में ये सब बहुत ज़्यादा होता था ग्वार गम, तो बहुत ज़्यादा अमेरिका में डिमांड था ग्वार गम का, लेकिन अब आर्टिफिशियल सिंथेटिक गम आ गया है, ठीक है, कृत्रिम जो है गम आ गया है, इसलिए ग्वार गम का डिमांड कम हो गया है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रयोग करते हैं प्लस हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, हम लोग हॉरिजॉन्टल कर लिए, हाँ सब्जी भी बनता है उसका, ड्रिलिंग कर लिए हाइड्रोलिक से, और यहाँ पे मान लो है तो हम लोग उसको हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे तोड़ते हैं, हॉरिजॉन्टल तोड़ते हैं। तो दो टेक्निक यूज होता है, याद रखिएगा, सेल गैस को निकालने के लिए, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग एंड हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, ठीक है। तो ये हमारा सेल गैस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको था, ठीक है, समझ गए। अब आइए क्वेश्चन में, तो देखो क्वेश्चन जो हमें पूछा था दोस्तों कि कहाँ पर भारत में हमें सेल गैस मिलता है, ठीक है, तो हमने देखा खंभात की खाड़ी में देखा, कावेरी बेसिन में देखा और कृष्णा गोदावरी बेसिन में देखा, ठीक है। अब देख लिए तो आंसर क्या हो गया, 1, 2 एंड 3, समझ में आ रहा है। तो एक एक आप डिटेल में हो गया, आप कुछ भी पूछो सेल गैस के बारे में पता चल जाएगा कि भाई सेल गैस जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, सबसे ज़्यादा अमेरिका में मिलता है, इंडिया में भी मिलता है, ग्वार गम प्रयोग होता है, ठीक है, फाइन ग्रेन होता है, ठीक है, उसमें पोरस नहीं होना चाहिए। पूछ देगा कि हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग किस में यूज करते हैं, तो सेल गैस में यूज करते हैं, ठीक है। सेल गैस, सेल का पत्थर में जो गैस मिलता है उसको सेल गैस बोलते हैं, ठीक है ना, और इसका प्रयोग हम लोग जिस तरह से सीएनजी वीएनजी प्रयोग करते हैं ना, उस तरह इसका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली ये सीएनजी ही होता है, जैसे देखो कोयला में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, कोल बेड मीथेन, आपने सुना होगा कोल बेड मीथेन, तो उसी तरह से सेल गैस में भी मीथेन वीथेन ही रहता है, बस वही कि पत्थर के सेल के चट्टान में मिलता है इसलिए इसको सेल गैस बोलते हैं, क्लियर। तो ये हमारा हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 94 ज्योग्राफी में पूछा था, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 94 पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित जोड़ों पे हमें विचार करना है, प्रसिद्ध स्थल दिया है और क्षेत्र दिया है, बोधगया बघेलखंड, खजुराहो बुंदेलखंड, शिरडी विदर्भ, नासिक मालवा, तिरुपति रायल सीमा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ यही नहीं पता होना चाहिए कि बोधगया क्या है कहाँ पर है, यह भी पता होना चाहिए कि यार बघेलखंड कहाँ है, बुंदेलखंड कहाँ है, विदर्भ कहाँ है, मालवा कहाँ है, तिरुपति कहाँ है, ये सब पता होना चाहिए। अभी आपको एलिमिनेट करके बन जाएगा कि भाई कि मालवा जो है वो आपका थोड़ी ना नासिक में है, राइट, अभी आपको एलिमिनेट करके बन जाएगा, ठीक है, लेकिन अब एलिमिनेशन उतना काम नहीं कर रहा, इसीलिए हमें डिटेल में एक एक ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले देखो कि यूपी का जो साउथ ईस्ट है और एमपी का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में बघेलखंड है, तो अगर हम इंडिया का दोस्तों ये मैप बनाएंगे, ठीक है, तो ये यूपी है मान लो और ये आपका एमपी है, तो यूपी का जो साउथ ईस्ट एरिया है ये यूपी का साउथ ईस्ट एरिया हो गया और एमपी का नॉर्थ ईस्ट, ये एमपी का नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों, बघेलखंड, ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, बघेलखंड है, ठीक है, याद हुआ।
बघेलखंड कहाँ है, तो बघेलखंड देखो यहाँ पे है, तो यूपी का ही। और आपका बोध गया कहाँ पे है बताइए? बोध गया है बिहार में, ठीक है। तो यानी ये गलत हो गया पहला ऑप्शन, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हुआ ना, पहला ऑप्शन गलत हो गया कि बघेलखंड दिया है। तो क्या आप देख रहे हैं कि यूपी का साउथ ईस्ट एरिया में, ठीक है, और एमपी का नॉर्थ ईस्ट एरिया में हमारा बघेलखंड है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब देखो खजुराहो, ठीक है दोस्तों, तो देखो जो खजुराहो है वो आपका बुंदेलखंड में है, ठीक है। खजुराहो कहाँ है दोस्तों? बुंदेलखंड में, ठीक है। अब बुंदेलखंड है आपका एमपी, यूपी और राजस्थान में, यहीं पे आपका खजुराहो है, ठीक है। खजुराहो जो है वो एमपी का एक छतरपुर जगह है, वहाँ पे है, ठीक है, समझ गए। तो ऑप्शन क्लियर हो गया कि हमारा जो बुंदेलखंड है, ठीक है, वहीं पे आपका खजुराहो है, ये ऑप्शन ठीक है। अब देखिए, तो अगर हम देखें कि ये देखो, अगर ये इंडिया बना है, ठीक है, तो आपको पता है ये हमारा अरावली है यहाँ पे, है ना। तो अरावली के नीचे आओगे यहाँ पे बगल में, तो वहाँ पे आपको मालवा का पठार मिलेगा, ठीक है। ये अरावली अगर है यहाँ, तो उसके बगल में आपको मालवा का पठार मिलेगा, ठीक है। उसके बगल में, उसके नीचे आपको यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों विंध्या, विंध्या मिलेगा, ठीक है, दिख रहा है, विंध्या मिलेगा। और मालवा प्लेटू के जस्ट बगल में यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों सेंट्रल हाईलैंड्स, क्या मिलेगा? सेंट्रल हाईलैंड्स जो एमपी में है, ठीक है, क्लियर। तो आप देख रहे हो कि अरावली के जस्ट बगल में मालवा है, मालवा के जस्ट सीधा में सेंट्रल हाईलैंड्स है, और उसके नीचे हमारा विंध्यन है, विंध्या की पहाड़ी है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो वो है आपका एमपी में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में है, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे हैं आपका बुंदेलखंड का, तो वो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि वो आपका महाराष्ट्र के आसपास का भी थोड़ा सा एरिया आएगा। तो एमपी का वेस्ट, एमपी का जो पश्चिम है और सेंट्रल में आता है महाराष्ट्र का नॉर्थ एरिया, कि आप देखो ये हमारा राजस्थान है, ये आपका यूपी है और ये आपका एमपी है, तो यहीं पे हमारा जो है बुंदेलखंड का एरिया है। तो यहीं पे महाराष्ट्र और एमपी है और उसके बगल में ही महाराष्ट्र है ना यहाँ पे, तो महाराष्ट्र का हम बोल सकते हैं ना, महाराष्ट्र के नॉर्थ में, महाराष्ट्र के उत्तर में आपका क्या है? बुंदेलखंड एरिया है, ठीक है, समझ गए। तो महाराष्ट्र के नॉर्थ में हमारा बुंदेलखंड एरिया है, ठीक है। उसी तरह राजस्थान का साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व में, और यूपी का साउथ वेस्ट में, यूपी का इधर, राजस्थान का इधर, एमपी का इधर, और महाराष्ट्र के ऊपर, ये एरिया जो है वो कौन सा एरिया है? बुंदेलखंड। और वहीं पे हमारा क्या है दोस्तों? खजुराहो का मंदिर, ठीक है, जिसको चंदेल राजाओं ने बनाया था, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन ठीक हो गया। अब देखो महाराष्ट्र के ईस्ट में विदर्भ है दोस्तों, ये अगर हम देखो, ये हमारा वो है इंडिया है, तो यहीं पे आपका पता, यहीं पे आपका क्या है? महाराष्ट्र है, इसी तरह महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र का जो ईस्ट है, ये जो है ना महाराष्ट्र का एरिया, इसको हम लोग विदर्भ बोलते हैं, ठीक है। और ये बताइए कि महाराष्ट्र का अगर, और शिरडी कहाँ है, ठीक है, तो शिरडी आपका इधर है कि नहीं? शिरडी जो है वो इधर है, तो विदर्भ में तो भैया नहीं है, विदर्भ जो है वो महाराष्ट्र के ईस्ट में है, महाराष्ट्र के पूरब में है, और शिरडी जो है वो तो भैया महाराष्ट्र के पश्चिम में है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया है ना। तो वो जो ऑप्शन दिया था, अब देखो ऑप्शन शिरडी गलत हो गया, हो गया ना, गलत हो गया। आप देखते हैं नासिक मालवा में, राइट, तो देखो हाँ ये हो गया। अब देखो मालवा का जो पठार है दोस्तों, आपने देखा ना मालवा का पठार कहाँ पे है, ये देखिए अरावली के बगल में मालवा का पठार है, और ये बताओ कि नासिक कहाँ पे है? नासिक है महाराष्ट्र में, तो गलत है, नॉर्मल सा बात है। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हुआ कि नहीं हुआ? ये जो ऑप्शन मिलाया है कि नासिक जो है मालवा में, अभी देखा ना आपने, नासिक जो है वो अरावली के बगल में है, एमपी यूपी और राजस्थान वाला एरिया जो मालवा कहलाता है, मालवा का पठार, तो नासिक तो नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो गया। शिरडी विदर्भ में नहीं है, शिरडी आपने देखा ना, विदर्भ जो है, विदर्भ जो एरिया है वो महाराष्ट्र का ईस्ट में है, ठीक है, लेकिन शिरडी कहाँ है? शिरडी आपका या तो साउथ में या वेस्ट में, ठीक है, इसलिए ये गलत है। उसी तरह आया आप तिरुपति, तो देखो मैंने आपको जब तेलंगाना का पठार पढ़ाया था दोस्तों, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि ये तेलंगाना का पठार है, तो एक तरफ को रायल सीमा बोलते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं, पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। तो जो तिरुपति है वो आंध्र प्रदेश के रायल सीमा में ही है, ठीक है, और हाँ नासिक में त्र्यंबकेश्वर भी है, वहीं से आपको जो है गोदावरी निकलता है, सही बात है, कुंभ मेला ये सब होता है।
तो रायलसीमा में, रायलसीमा मतलब चित्तूर जिला, अनंतपुर जिला, कडप्पा और कडप्पा, वही कडप्पा वाला कडप्पा और कुरनूल जिला, वहाँ पे आपका क्या है, तिरुपति है। ठीक है, तो आप समझ गए तिरुपति कहाँ पे है, हमारा रायलसीमा में है। तो ये हमारा सही हो गया, नासिक गलत हो गया, मालवा में नहीं है, शिरडी गलत हो गया, विदर्भ में नहीं है, बाकी आपका आंसर सही हो गया। ये बोध गया आपको पता है कि आपको बघेलखंड में नहीं है। ठीक, अगर यहीं पे लिखता छोटा नागपुर का पठार इस टाइप का तो थोड़ा सा हम सोचते भी, क्योंकि बोध गया जो है वो राजगीर बोध गया के आसपास है। ठीक है, तो हम उसको बोल सकते थे, लेकिन ये गलत हो गया। बघेलखंड हमने देख लिया कहाँ पे है, वो आपका यूपी का साउथ ईस्ट और एमपी का जो है नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक, तो हमारा जो आंसर हो गया वो होगा 2 एंड 5। ठीक, तो आंसर होगा सी। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ऐसे करके हमें डिटेल में पढ़ना है, ताकि ऑप्शन अगर पूछ ले कल को बघेलखंड के बारे में, विदर्भ के बारे में, ठीक है, शिरडी के बारे में, और भी कुछ तो पता होना चाहिए कि कौन चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 44। 44 जो क्वेश्चन है वो इन्वायरमेंट में भी हम लोग रख सकते हैं और हम लोग ज्योग्राफी में भी रख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश वाला देख लेते हैं। देखो बोल रहा है व्हाट इज आर द यूनिक अबाउट खराई कैमल, खराई कैमल जो भारत में ब्रीड फाउंड मिलता है उसके बारे में क्या सही कथन है। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊँट के बारे में हमें क्या है। ठीक है, तो ये बोल रहा है ये समुद्र तल जल में 3 किलोमीटर तक तैर सकता है। तो बोल रहा है ये खराई कैमल ऐसा है जो तैर सकता है पानी में 3 किलोमीटर। दूसरा बोल रहा है इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन द मैंग्रोव, बोल रहा है कि ये मैंग्रोव की चराई पर जीता है। ठीक है, और फिर ये बोला है जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखो कि खराई कैमल के बारे में डिटेल में क्या है। ठीक है, तो देखो खराई माने क्या होता है, खारा चीज़, खारा, और खारा माने सलाइन वाटर है ना, नमकीन पानी, इसका मतलब ये नमक में मिलता होगा। ठीक है, नमक में मिलता होगा, और जाहिर सा बात है अगर कोई नमक में मिल रहा है तो समुद्र में ही रहेगा। ठीक है, समुद्र में रहेगा, और देखो जहाँ जहाँ नमक रहता है जनरली हाई चांस होता है कि वहाँ पे मैंग्रोव मिलता है। ठीक है, आपको मैंने बताया भी था गुजरात के आसपास का एरिया भी वहाँ पे आपको मैंग्रोव दोस्तों मिलता है। ठीक है, और ये ऊँट है, तो ऊँट है इसका मतलब कि हम लोग ऐसा तो नहीं होगा, पालतू तो भाई बना ही सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया लॉजिक के आधार पे सॉल्व करना, लेकिन हमें डिटेल पता होना चाहिए कि खराई कैमल के बारे में। ठीक है, तो देखो जो खराई कैमल है वो गुजरात के कच्छ में मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों, कच्छ में, आपको पता होना चाहिए ये हमारा गुजरात का है, तो ये वाला एरिया को हम लोग कच्छ बोलते हैं और ये वाला एरिया को हम लोग सौराष्ट्र बोलते हैं। ठीक है, याद है, पता होना चाहिए सबको, ऊपर वाला एरिया कच्छ है और नीचे वाला एरिया क्या है, सौराष्ट्र। ठीक, मैंने बताया भी है, ये तैर सकता है, ये स्विम कर सकता है। ठीक है, इसको फकीरानी जाट्स या रबड़ी समुदाय पालते हैं। ठीक है, जो रबड़ी समुदाय है ये भी पता होना चाहिए कि रबड़ी जो समुदाय है वो इसको पालता है, या फकीरानी जो फकीरानी जाट है वो लोग इसको पालते हैं। ठीक है, खराई कैमल को धरी आतरू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धरिया तारू, धरिया तारू बोलते हैं। ठीक है, और ये मैंग्रोव को खाता है और नमक में जो सलाइन स्पीसीज होते हैं वो उनको खाता है। समझ में आ रहा है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए अब तुरंत बन जाएगा। तो देखो खराई कमल के बारे में बोल रहा है ये समुद्र में तैर सकता है। ठीक है, तो हाँ तैर सकता है, इसमें कोई नहीं, हमने देखा तैर सकता है। ठीक है, सही है, 3 किलोमीटर तक तैर सकता है। फिर बोल रहा मैंग्रोव खाता है, सही है, ये लिप्स बोला जंगल में रहता है और इसको जो है डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो गलत बात है। ठीक है ना, ये आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, आप देखते हैं, समझ में आ रहा है सबको, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल कौन सा है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या मैं अभी डाल दे रहा हूँ ताकि आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको सारा जो है PDF मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं उसका लिंक डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए वो ज्वाइन कर लीजिए। चलो अब देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 में, ये भी क्वेश्चन हम लोग इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं और ज्योग्राफी में भी रह सकते हैं। हाँ ठीक है, न्यूज़ में है तो फिर इम्पोर्टेंट भी है ये। ठीक है, हाँ कैमलेट्स में इसको रखें। ठीक, चलो अब देखो बोल रहा है व्हाट इज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो बोल रहा है दोस्तों कि जो
मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभी समय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का महत्व क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप UNCCD के बारे में डिटेल में जान लीजिए, जो मैंने आपको नोट्स बनाया है। देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको UNCCD के बारे में डिटेल में आपको इन्वायरमेंट के क्लास में पढ़ाया है। ठीक है, तो देखिए UNCCD का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, देखो आपको पता है कि 1992 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, सॉरी 1992 में अर्थ समिट हुआ था, सबको पता है। कहाँ हुआ था दोस्तों? रियो में। ठीक है, यहीं पे आपका एजेंडा 21 ये सब आया था, ये सब मैंने आपको इन्वायरमेंट पढ़ाया है। ठीक है, तो वहाँ पे जब मीटिंग हुआ था रियो में, तो वहाँ से तीन चीज़ निकल के आया था वहाँ से, क्या क्या? UNFCCC आया था, UNCCD आया था, ठीक है, और UNCBD आया था। ठीक है, तो जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है, ये 1992 में इसकी बात हुई थी, लेकिन इसको एडॉप्ट किया गया था दोस्तों कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है, इसको एडॉप्ट कहाँ किया गया था? पेरिस में इसको एडॉप्ट किया गया था, समझ रहे हो? ये याद रखिएगा, आपको लगेगा कह रहे ब्राज़ील ब्राज़ील है थोड़ा, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। इसको एडॉप्ट किया गया था पेरिस में और 1996 में ये लागू हो गया। ठीक है, इसका जो सचिवालय है दोस्तों वो बोन में है, ठीक है, जर्मनी में है बोन, और ये फोकस करता है बॉटम अप अप्रोच पे, विकेंद्रीकरण पे फोकस करता है। बोलता है कि लोकल लोगों को साथ में लेके हम मरुस्थलीकरण को रोक सकते हैं। मरुस्थलीकरण क्या होता है? मरुस्थलीकरण मतलब होता है जो एरिया पहले उपजाऊ था वो अगर बंजर बन जा रहा है तो उसको हम लोग मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि लैंड का जो गुणवत्ता है, भूमि का जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होना। डेजर्टिफिकेशन का मतलब मरुस्थल बनना नहीं होता है, डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है जब ज़मीन का उत्पादकता प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो पढ़ने वाले हैं सैटरडे संडे को, वहाँ पे हम लैंड डिग्रेडेशन हमारा एक टॉपिक ही है, तो वहाँ पे हम डिटेल में आपको डेजर्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये बॉटम अप अप्रोच पे फोकस करता है। UNCCD का गोल है कि डेजर्टिफिकेशन को रोकना, मरुस्थलीकरण को रोकना। कहाँ पे रोकना? तो मरुस्थलीकरण मतलब ज़मीन, देखो जहाँ पे पानी वानी ठीक ठाक मिल रहा है, ठीक है, वहाँ पे मरुस्थलीकरण जो है ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो सूखा एरिया है जहाँ पे पानी बहुत कम मिलता है वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा डेजर्टिफिकेशन होता है। जैसे ये हमारा दोस्तों अफ्रीका है ना, ऐसे अफ्रीका है, तो अफ्रीका का आपको पता है यहाँ पे जो है सहारा डेजर्ट है, और यहाँ पे आपको सहेल क्षेत्र है, सहेल रीजन, और नीचे जो है वो आपका ये आता है हमारा बीच में, बगल में क्या आता है? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, कॉन्गो वोंगो। तो जो बीच वाला एरिया होता है, जो मरुस्थल ऊपर में मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, और नीचे से हमारा जो है आपका उसके बगल में आपका जो वर्षा वन है उसके बीच का जो एरिया होता है वो घास का मैदान होता है, जो ना तो ज़्यादा वहाँ पानी मिलता है ना ही ज़्यादा सूखा रहता है। तो वैसे एरिया जो जो काफ़ी हद तक जहाँ पानी है ही नहीं, बहुत कम है, तो वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन जो मरुस्थलीकरण बहुत ज़्यादा होता है, खासकर अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मरुस्थलीकरण का समस्या है। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, समझ गए तीनों चीज़। चलिए अब देखो, जो क्वेश्चन पूछा था तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स एंड सपोर्ट इंटरनेशनल पार्टनरशिप। बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप के द्वारा, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो नवाचार पार्टनरशिप के द्वारा, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के द्वारा, राष्ट्र कार्यक्रमों के द्वारा ये प्रोत्साहित करता है। तो आपने देखा ना, बॉटम अप अप्रोच पे ज़्यादा फोकस करता है, और ये रियो का है, तो मतलब बहुत सारे देश लोग इसमें साथ में आए होंगे, तभी तो ये लागू हुआ 1996 में। ठीक है, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा एकदम क्या है, सही है। दूसरा बोल रहा है इट हैज़ ए स्पेशल पार्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन्स एंड इट सेक्रेटेरिएट फैसिलिटेट द एलोकेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स टू द रीजन। हमने देखा कि मैक्सिमम जो ये फोकस कर रहा है वो आपका कहाँ पे कर रहा है दोस्तों, कहाँ पे कर रहा है ये ज़्यादा फोकस? ये आपको कर रहा है आपका अफ्रीका में, साउथ एशिया में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है, और नॉर्थ अमेरिका में नहीं फोकस कर रहा है, ये फोकस कर रहा है आपको। देखो ये हमारा अगर अफ्रीका है तो नॉर्थ अफ्रीका के जस्ट बगल नीचे वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मरुस्थल बन चुका है ना, वो मरुस्थल का विस्तार ऐसा ना हो कि बगल वाला को वो प्रोडक्टिविटी कम कर दे, वहाँ पे हम लोग सहेल रीजन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा।
ठीक है, समझ रहे हो? इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है कि यह विशेष रूप से दक्षिण एशिया और उत्तर अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है, ये हमारा गलत होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, बोला इट इज़ कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच इनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल। और देखो, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मतलब इंस्टीट्यूशंस है ना, जो क्लाइमेट को लेकर या किसी भी चीज़ को बात करेगा, वो बॉटम अप अप्रोच पे बात करेगा ही। वो बात करेगा कि सबको कम्युनिटी डेवलपमेंट, चाहे वो भारत बात करे, स्वच्छ भारत मिशन, जन आंदोलन बनाने का, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई संस्था हो, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो, समझौता हो, वो भी फोकस करेगा दोस्तों किस चीज़ पे, लोकल पार्टिसिपेशन पे। तो ये कॉमन सा सेंटेंस है, और याद भी रखिएगा आप ये चीज़ कि जो भी अभी एग्रीमेंट होगा, चाहे वो भारत सरकार लेके आएगा या कोई भी स्कीम लेके आए या इंटरनेशनल लेवल पे हो, सब बात करेगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे, लोकल लेवल पे बात करेगा। ठीक है, जहाँ भी लोकल के साथ काम करने का बात हो तो वो सही होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हमें पूछा है कौन सा सही उत्तर है, तो केवल एक और तीन, और दूसरा हमारा गलत हो गया। क्यों हो गया? क्यों? ज़्यादा फोकस कर रहा है सहेल रीजन पे। ऐसा नहीं है कि एशिया पे नहीं कर रहा है, कर रहा है, लेकिन ओवरऑल बात कर रहा है किस पे, ज़्यादा सहेल रीजन पे। ठीक है, समझ गए? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। हाँ, लैंड डिग्रेडेशन जो न्यूट्रलिटी है ना, वो सब हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, हम आपके लिए पूरा नोट्स वोट सब बनाए हैं, आप टेंशन मत लो। लैंड डिग्रेडेशन हमारा एक बंद में बताया ना, पहले एक टॉपिक ही है हमारा, वहाँ पे हम लोग सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। UNCCD का कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, 13 नंबर का, 14 नंबर का, 15 नंबर का। ठीक है, तो 14 नंबर का जो हुआ था हमारा इंडिया में, चाइना में हुआ था 13 नंबर का। ठीक है, वो सारा हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह ने भारत ने अपना जो है लक्ष्य को बढ़ाया है। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या होता है? देखो, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का सबसे पहली बार जो चर्चा हुआ था वो Rio+20 में हुआ था। तो ये सब सारा चीज़ हम आपको वहाँ पर बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए अब आइए दोस्तों, जब संडे को जो हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो क्लास लेंगे ना, वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, आप समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में वो हमारा है, बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। बोल रहा है भारत में कहाँ पर आपको ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल दोस्तों मिलेगा। ठीक है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मिलेगा। अब मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में, बहुत बड़ा पक्षी होता है दोस्तों, ठीक है ना, और जनरली ये वहाँ पे मिलता है जहाँ पे बारिश वारिश ठीक ठाक होता है, ये सब हम आपको बताएं। ठीक, तो चलो अब हम क्वेश्चन आते हैं अपना सॉल्यूशन की तरफ, जो मैंने आपको बनाया है खुद से। तो देखिए, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल आपने, मैंने आपको दिखाया भी था, ये बहुत सुंदर पक्षी होता है, याद है, काला कलर का, पीला कलर का, बड़ा सा चोंच होता है इसका, देखे होंगे सब। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो होता है, इसको हम लोग ग्रेट पाइड हॉर्नबिल वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट पाइड हॉर्नबिल। ये जनरली दोस्तों मिलता है हिमालय में। ठीक है, हिमालय का जो तलहटी होता है वहाँ पे मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, हाँ सुंदरबन में भी मिलेगा, वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में मिलता है। मतलब देख रहे हो कि जहाँ भी बारिश वारिश ठीक ठाक हो रहा है वहाँ पे आपको ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल दोस्तों मिलता है। ठीक है, समझ गए इतना। अब उसी तरह से एक और पक्षी होता है, कन्फ्यूज आप कर सकते हैं, एक होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है वो, देखो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है वो IUCN में वो वल्नरेबल है। क्या है दोस्तों? वल्नरेबल है। लेकिन जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, ये भी एक बड़ा बहुत बड़ा पक्षी होता है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। हाँ, मिलता होगा उत्तराखंड में मिलेगा, क्योंकि देखो हिमालय के तलहटी में है। ठीक है ना, ठीक है, तो वहाँ मिलेगा ही। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो कहाँ मिलेगा आपको? इस ठंड, मतलब मिलता है कहाँ पे? सूखा एरिया में, जैसे राजस्थान। ठीक है, भारत का जो नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम, वहाँ पे जो मरुस्थल एरिया मिलता है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन की तरफ, आपको तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन ये। तो बोल रहा है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मिलता है, तो मैंने आपको बस इतना याद कर लो, कहाँ मिलेगा ये? बारिश वाले एरिया में। कहाँ मिलेगा ये? बारिश वाले एरिया में। बोल रहा है सैंड डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये कहाँ पे मिल, ये इसमें क्या मिलेगा? अभी हमने देखा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड IUCN में, तो ये नहीं होगा। फिर बोल रहा है हायर हिमालय एंड जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के हिमालय में, उच्च हिमालय में। तो यहाँ पे आपको याद रखिए, यहाँ पे मिलता है आपको ब्लैक नेक्ड क्रैन। क्या मिलता है? ब्लैक नेक्ड क्रैन, काले गर्दन वाला सारस पक्षी मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, वैसे मैंने आपको यहाँ बताया भी था पहले। ठीक है, आप कॉपी कलम लेके बैठिए, जब भी कुछ मैं एक्स्ट्रा जब पॉइंट बताऊँगा ना तो वो लिख लीजिएगा। वैसे मैंने आपको पढ़ाया है साइंस टेक में, आप टेंशन मत, नहीं भी लिखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है। तो हायर हिमालय जो नॉर्थ जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों, यहाँ पे आपको ब्लैक नेक्ड क्रैन मिलता है। ठीक है, उसके बाद सॉल्ट मार्सेस और वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट का जो सॉल्ट मार्स है, यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया था
ये यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों, क्या नाम उसका, इंडियन वाइल्ड एस, जंगली गधा मिलता है, इंडियन वाइल्ड एस, ठीक है, ये मिलता है। तो ये गलत हो गया। अब बचा क्या, वेस्टर्न घाट, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने देखा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 22 का बी मिलेगा ना। वेस्टर्न घाट तो साउथ में ही है ना, वेस्टर्न घाट साउथ में ही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डी। मिली तो रहा है, क्या पूछ रहे हो इसमें आप, हम तो पहले ही बता दिए आपको ना। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कहाँ मिल रहा है, लिखा हुआ नहीं है। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट तो साउथ इंडिया में ही है ना, कहाँ पे है पश्चिमी घाट, ये आपका देखो, ये है वेस्ट पश्चिमी घाट, ये वाला गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, जो उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, ठीक है। समझ में आया सबको, कन्फ्यूजन इतना क्यों हो रहा है, मैंने तो शुरू में ही बोला कि पानी मिलता है, पानी वाला एरिया में जहाँ पर खूब बारिश होगा वहाँ पे मिलता है। अच्छा, गोवा का स्टेट बर्ड भी है, लिख लीजिए, गोवा का स्टेट बर्ड है ये, स्टेट बर्ड, ठीक है। चलो ये हो गया, चलो ये हमारा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी से और आपका आया है, बाकी इन्वायरमेंट से हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। देखिए बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। देख रहे हैं दोस्तों, जब हम नोट्स बना के आपको पढ़ा रहे हैं तो आपकी जल्दी जल्दी हो जा रहा है कि नहीं, और आपका मेहनत जो है कम होगा क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको नोट्स दे ही दूंगा, ठीक है। तो बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है। तो नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है, वो आराम से आप लोग वहाँ ज्वाइन करके देखिए, ठीक है। तो बोर्ड नेशनल गंगा रिवर बेसिन जो अथॉरिटी है उसके बारे में है, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा इंग्लिश में, ये रहा हिंदी में, राष्ट्र गंगा नदी प्राधिकरण, ठीक है, कि प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है। बोल रहा है कि क्वेश्चन पढ़िए, तो सबसे पहले हम आपको इसका डिटेल में सॉल्यूशन दिखा दे रहे हैं जो हमने बनाया है, ठीक है। थोड़ी से बनाने बहुत टाइम लगता है, गूगल से खोजिए फिर उसको लिखिए, कुछ मुझे जो जितना आता है फिर उससे लिखते हैं ताकि आपको पूरा वो रहे। अब देखो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के बारे में दोस्तों, कि देखो जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, सबसे पहले याद रखना है ये स्टेचुटरी बॉडी है, संवैधानिक नहीं बोलेंगे इसको, वैधानिक बोलिए ज़्यादा अच्छा है, वैधानिक मतलब कानून के द्वारा बना हुआ है, 2009 में बना था, और कौन से कानून के द्वारा बना था ये भी पूछ सकता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बना है, ठीक है। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, कौन होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री होते हैं, और इसमें सदस्य होते हैं, तो इसमें जहाँ से गंगा नदी जाती है, गंगा नदी कहाँ कहाँ जाती है, यूपी से, उत्तराखंड से निकलती है फिर यूपी में जाती है, यूपी से उसके बाद वो जाएगी आपका बिहार में, बिहार से फिर झारखंड में, और झारखंड से फिर वेस्ट बंगाल में गंगा नदी जाती है। तो ये पांच राज्यों के जो सीएम होते हैं वो एनजीआरबीए के सदस्य होते हैं, और इसके जो चेयरमैन होते हैं, सभापति होते हैं, वो होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक। उसके बाद 2016 में ये जो संस्था था एनजीआरबीए, उसको ख़त्म कर दिया गया, क्या कर दिया गया दोस्तों, ख़त्म कर दिया गया, अब उसके जगह बना दिया गया एनएमसीजी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये बना दिया गया। तो जो एनएमसीजी था, ठीक है, वो एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत बना था, फिर बाद में क्या किया गया, एनएमसीजी को भी ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और अब जो है एनजीआरबीए का काम जो है नेशनल गंगा काउंसिल करता है, ठीक है। तो अब जो है एनजीआरबीए का नाम से कोई संस्था नहीं है, अब वो काम जो है नेशनल गंगा काउंसिल करता है। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है था 2009 में बना था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा, हाँ ठीक है। चलिए बाकी गंगा नदी के बारे में हमने आपको ऑलरेडी जो है ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे रिपीट करने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो चलो
अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो ठीक है, यहाँ पे रिवर बेसिन पे नाम ही है इसका, तो रिवर बेसिन मतलब जहाँ जहाँ नदी को जहाँ जहाँ से पानी मिल रहा है उस एरिया को हम लोग रिवर बेसिन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें रिवर बेसिन पे पूरा फोकस किया जा रहा है, जहाँ जहाँ नदी बह रही है, जहाँ से पानी मिल रहा है, सारा चीज़। ठीक है, तो ये हमारा सही है। उसके बाद बोल रहा है इट सुपर हेड्स द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स एट द नेशनल लेवल। बोल रहा है कि यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। जब प्रधानमंत्री जिसका चेयरमैन होगा तो नेशनल लेवल पे तो अगुवाई करेगा ना, एकदम सही है। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर बोल रहा है वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स थ्रू विच द गंगा फ्लोज बिकम द चेयरमैन ऑफ द NGRB ऑन रोटेशन बेसिस। बोल रहा है इसका जो चेयरमैन होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्री में से एक होता है जिनमें गंगा नदी बहती है। गलत बात हमने बताया, NGRBA का चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो जो सही उत्तर है कौन सा है, वो 1 और 2 है कि नहीं, आपको पता हो गया पूरा। ठीक है, बाकी गंगा नदी के बारे में हमने डिटेल में आपको पढ़ाया है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी इसकी सहायक नदी है, कौन कौन से इस पर डैम है, गंगा नदी कहाँ पर मिलती है। ठीक है, सारा चीज़ बताया डिटेल में, जब नेशनल वाटर वे 1 पढ़ाए थे वो भी हमने आपको डिटेल में बताया था। ठीक, तो आंसर क्या होगा 23 का दोस्तों, ऑप्शन होगा ए। तो ये ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन दोस्तों आया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आया है, 74, 94, ठीक है, 44, 13, 22, 23, ये जो 7 क्वेश्चन आए थे, इसके अलावा और भी आए हैं आपका क्वेश्चन ज्योग्राफी से, लेकिन वो इन करेंट अफेयर से ज़्यादा लिंक है। ठीक है, तो उसको हम लोग करेंट अफेयर में डिटेल में पढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो है वो इन्वायरमेंट से आया दोस्तों। ठीक है, तो उसको हम लोग इन्वायरमेंट के पोर्शन में डिटेल में करेंगे। क्लियर, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम आते हैं 2017 में जो हमारा क्वेश्चन आया है दोस्तों ज्योग्राफी से। ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन डाउनलोड कर लेते हैं 2017 का, उसके बाद हम आपको उससे बता रहे हैं। हमें लग रहा है कि अब हम जो जिस तरह से पढ़ा रहे हैं वो जो है आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है कि नहीं। क्योंकि इसमें आपको क्या कि टेंशन नहीं है कि हमें कुछ नोट करना है, ऑलरेडी हमने आपको नोट्स पढ़ाए दे ही देंगे, तो बस ध्यान से सुनना है और देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। चलो, ये हमारा चलो अब हम आते हैं 2017 के क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 2017 में जो क्वेश्चन आया है वो आया है कि इंडियन ओशियन डाइपोल से। ठीक है, उसके पहले क्वेश्चन जो आया है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ही देख लो आप, एक मिनट रुकिए दोस्तों, थोड़ा मेड को फ़ोन करते हैं, एक मिनट आप वो रहिए, एक मिनट मुझे टाइम दीजिए, खाना बनाने नहीं आया अभी तक। चलिए, तो देखिए दोस्तों ये हमारा 2017 क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है, बोल रहा है फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन बीइंग ए गुड लिंक बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। बोल रहा है क्या, सुन ध्यान से, बोल रहा है कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है। तो सबसे पहले ये देखिए, बोल रहा है कि क्या कि जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये इंडिया है तो ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे बोल रहा है क्या है, क्या कौन सा चीज़ है चारों में से जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको चार ऑप्शन दिया है, एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नल्ला माला, ठीक है, उसके बाद नागर खोले या सेसाचलम। तो इसमें सिर्फ हमें आंसर नहीं जानना है कि भाई कि इसको यहाँ पे जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो जुड़ रहा है वहाँ पे आपको ये वाला है, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं जानना है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये समझना है कि भैया कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व अगर है तो वो कहाँ पे है, ठीक है ना, तब जाके क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो ऐसे तो फिर पता नहीं चलेगा, कल को पता चलेगा कि यूपीएससी यही क्वेश्चन ना दूसरा क्वेश्चन रिपीट कर दे तब तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये सिर्फ नहीं जानना कि इसका आंसर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व होगा, सब ऑप्शन के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सत्यमंगलम है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, सत्यमंगलम के बारे में देखो डिटेल में मैंने जो आपको बताया है वो देखिए, देखिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू जब पूरा गहराई में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व दोस्तों तमिलनाडु में है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये देखो लिखा हुआ है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पे ईस्ट घाट, ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है। ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के अगल बगल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है वो कौन कौन सा है। तो देखो बिल्ली, बिल्लीगिरी रंगा, क्या नाम है, बिलगिरी रंगा स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के अगल बगल है। फिर सिगार प्लेटू, पूछ सकता है कि सिगार प्लेटू कहाँ है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के अगल बगल है। मुड्डूमलाई नेशनल पार्क, ठीक है, ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के अगल बगल है। बांदीपुर नेशनल पार्क, ये उसके अगल बगल है। तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में हो गया। तो अगर आप देख सकते हो कि ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, आपको पता है ना कि पश्चिमी घाट आपका तमिलनाडु को भी टच करता है और पूर्वी घाट आपको ऊपर में ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है दोस्तों क्या है, ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं कि अब बाकी ऑप्शन में भी देखो तो आंसर तो आपको पता चल ही गया कि भाई इसका आंसर जो है ना वो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, लेकिन क्या नल्ला माला कहाँ पे है, इसका क्या विशेषता है, नागर होल, क्योंकि कल यूपीएससी सत्यमंगलम तो नहीं पूछेगा ना, ये आपके इसके बारे में पूछ देगा, तो इसीलिए सब ऑप्शन के बारे में डिटेल में पढ़िए। यही तो इस कोर्स का, ये जो आपको जो पढ़ रहे हैं इसका बेनिफिट है ना, जीरो IAS फिर क्यों आप देखोगे जब तक आपको कुछ एक्स्ट्रा पता नहीं कर पा रहे हैं, तो है कि नहीं। चलिए तो देखो नल्ला माला जो फॉरेस्ट है दोस्तों ये ईस्टर्न घाट का अंग है, मैंने नल्ला माला के बारे में ऑलरेडी आपको दिखाया था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के में स्थित है, पहले तो एक ही राज्य था आंध्र प्रदेश, जब तेलंगाना हो गया तो ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में बट गया। तो आंध्र प्रदेश में जो कुरनूल जिला है, जो नेल्लोर है, जो कडप्पा है, कडप्पा के बारे में अभी हमने देखा ना कि तिरुपति के बारे में जो रायल सीमा में है, जो गुंटूर है, जो प्रकाशम है, प्रकाशम बैराज भी आपने सुना होगा, प्रकाशम बैराज वो ईस्ट, वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, और वो ठीक है, और वहीं भी आपको नल्ला माला जंगल भी आपको दिखेगा। उसी तरह से तेलंगाना में भी है, ये नालगोंडा आपने सुना होगा और महबूब नगर, ठीक है, ये कहाँ है, आपका ईस्टर्न घाट का अंग है, यहाँ पे नल्ला माला फॉरेस्ट दिखेगा। ठीक है, नल्ला माला फॉरेस्ट में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है अमराबाद टाइगर रिजर्व, जो आपका तेलंगाना में, तो तेलंगाना में जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है दोस्तों वो नल्ला माला जंगल में ही है। पहले अमराबाद जो था आंध्र प्रदेश में था, तो उस समय उसका नाम था दोस्तों नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, आपने सुना होगा नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये पहले था इसका नाम, लेकिन जब तेलंगाना बन गया तो इसका नाम चेंज होकर अमराबाद टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए,
अगला ऑप्शन क्या था? नागरहोल और फिर सेसाचलम, तो सबके बारे में देखेंगे। तो देखिए, नागरहोल नेशनल पार्क, इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा यहाँ से कौन नदी बहती है, तो याद रखिएगा नागरहोल नदी, ठीक है। ये कर्नाटक में है, जो मैसूर आपको पता है, मैसूर का चंदन मंदन, और कोडागु जो जिला है, मैसूर कोडागु जिला वहाँ पे है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, ब्रह्मगिरी से निकलती है ब्रह्मगिरी हिल्स, तो वो नागरहोल नेशनल पार्क भी वहीं पर स्थित है, ठीक है। अब देखो, ये हमारा कर्नाटक है, ऐसे ही है ना कर्नाटक, और आपका ईस्टर्न घाट इधर हो जाता है, ठीक है। तो ईस्टर्न जो घाट है वो यहाँ पे स्थित नहीं है कर्नाटक में, सबको पता है, क्योंकि ये इंडिया है, तो ये वेस्टर्न घाट है और ये हमारा ईस्टर्न घाट है, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट तो इधर ही ख़त्म हो गया, कर्नाटक को तो टच करेगा ही नहीं। तो ये जो है वेस्टर्न घाट में स्थित है, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में स्थित नहीं है, ठीक है। ये तो दिख ही रहा है। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने इन्वायरमेंट में आपको पढ़ाया है दोस्तों, ठीक है, ये आपका यहीं पे है, क्लियर। उसी तरह से बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वो नॉर्थ वेस्ट में है इसके, ठीक है। ये अगर नागरहोल नेशनल पार्क है कर्नाटक में, ठीक है, तो ये कर्नाटक का नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट हुआ नॉर्थ वेस्ट। तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो इस नेशनल पार्क के, नागरहोल के नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में है। तो ये हमारा नागरहोल नेशनल पार्क के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हो गया। उसी तरह सेसाचलम बायोस्फीयर रिजर्व का बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में है, चित्तूर और जो कडप्पा जिला है वहाँ पे है। ये ईस्टर्न घाट में है, ठीक है, वेस्टर्न घाट में नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ एनिमल मिलता है, ठीक है, स्लेंडर लॉरिस, ठीक है, ये नॉक्टर्नल एनिमल है, मतलब रात में ये आपको ज़्यादा एक्टिव रहता है। उसी तरह से यहाँ पे आपको इंडियन जायंट स्क्विरल मिलेगा, बड़ा साइज का स्क्विरल मिलेगा, जिसका नाम है इंडियन जायंट स्क्विरल, स्क्विरल मतलब गिलहरी, गोल्डन गेक्को मिलेगा, ठीक है। गेक्को आप देखा, मैंने आपको दिखाया था, गिरगिट, बड़ा वाला गिरगिट जैसा होता है। और यहाँ पे आपको लाल चंदन, रेड सैंडलवुड भी मिलेगा, जो आपने सुना होगा वीरप्पन का नाम, ठीक है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश का जो जंगल है वहीं पे वो रहता था, ठीक है, समझ रहे हो। तो सेसाचलम बायोस्फीयर आपका बारे में इन्फॉर्मेशन हो गया, क्लियर, ठीक है, समझ गए। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट कहाँ मिलता है, तो आपने देखा ना नागरहोल में तो ईस्टर्न घाट है ही नहीं, सेसाचलम में ईस्टर्न घाट है वेस्टर्न घाट नहीं है, ये भी गलत है। नल्लामाला में आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, ईस्टर्न घाट है वेस्टर्न घाट नहीं है, ये भी गया। तो ऑप्शन क्या बचा हमारा, फोर का ए बचा। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता था कि यार कि वेस्टर्न ये वाला ये सब कहाँ लोकेशन क्या है, तो आसानी से जो है इस क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक। फोर का आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, पूछा है दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा है वो एक पूछा था तीस्ता नदी से, ठीक है, वो क्वेश्चन है। अच्छा देखो, ये सब जो क्वेश्चन है ना, तो ये समुद्र तल नीचे ये सब करंट का है, तो हम लोग उसको करंट में करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जब 30 आएंगे तो वहाँ पे तीस्ता नदी के बारे में होगा। तीस्ता नदी के बारे में ऑलरेडी हमने थोड़ा सा जिक्र किया था आपको ब्रह्मपुत्र नदी में, कि ब्रह्मपुत्र नदी की ही वो सहायक नदी है, ठीक है, जो दक्षिण से मिलती है, सॉरी जो बाएं से मिलती है नॉर्थ से। देखो, बोला विथ रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, तो आगे तीस्ता नदी के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद जो है आपको बनाना आसान होगा। तो देखिए, ये है तीस्ता नदी के बारे में। तो देखो, तीस्ता नदी का अगर उद्गम स्थल बात करें तो ये दोस्तों ईस्ट हिमालय से निकलती है, पूर्वी हिमालय से दोस्तों निकलती है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद जो पूर्वी हिमालय है वो कहाँ पे है आपको पता है, सिक्किम और आपका तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जिसको पूर्वांचल बोलते हैं उसको हम लोग पूर्वी हिमालय बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है तीस्ता खांगसे ग्लेशियर, नाम ही है तीस्ता खांगसे ग्लेशियर। अच्छा सॉरी सॉरी, कुछ स्टूडेंट डाउट पूछ रहे हैं उसको हम ले लेते हैं थोड़ा। इन्होंने पूछा है कि सर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है। तो देखिए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो नदी निकलती है
वो है आपका, लिख लीजिए आप, मोयार नदी, ठीक है, या भवानी नदी, भवानी एंड मोयार नदी निकलती है, ठीक है ठीक है। बाकी हम आपको जब पढ़ाएंगे ना नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ज्योग्राफी में मैंने तो आपको लोकेशन पढ़ाया था, लेकिन अब हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे इन्वायरमेंट में सैटरडे संडे को, उसका पूरा इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा नदी है वहाँ पर, कौन सा पहाड़ है, पर्वत है, ठीक है, सारा को हम लोग डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सा जानवर वहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम आपको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व सारे के बारे में डिटेल में करेंगे, क्लियर। उसके बाद ये हो गया, अच्छा हम आ रहे थे, हाँ तो देखो तीस्ता निकली कहाँ, तिब्बत से, उसके बाद वो सिक्किम गई, सिक्किम में वो कहाँ गई, दार्जिलिंग, ठीक है, और दार्जिलिंग से कहाँ गई, दार्जिलिंग कहाँ है, बंगाल में, और बंगाल से वो फिर बांग्लादेश में जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। देखो तीस्ता ऐसे गया और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आ रहा है, इसको मिल गया, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी फिर इधर से आया और इधर से गंगा मिला और फाइनली जाके बंगाल में मिल गया, ठीक है। तो तीस्ता नदी किससे मिल रही है बताइए, तीस्ता नदी मिल रही है दोस्तों ब्रह्मपुत्र से, है ना, और फाइनली फिर ब्रह्मपुत्र जाके गंगा से मिलते हुए दामोदर नदी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। तो तीस्ता हो गया, उसके बाद देखो यहाँ, यहाँ जो आप खुद से एक वो भी पूछ सकता है कि यहाँ एक माउंटेन है, पर्वत है, उसका नाम है पौन हुनरी, क्या नाम है, पाउन हुनरी, तो पाउन हुनरी एक पर्वत है, उसमें तीस्ता खांगसे ग्लेशियर है, उसी ग्लेशियर से तीस्ता नदी जो है निकलती है तिब्बत में और सिक्किम में, जो पूर्वी हिमालय का अंग है, ठीक है। उसके बाद देखो अब ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों अब देखेंगे कि तीस, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है। तो हमने देखा ना भैया कि ब्रह्मपुत्र कहाँ था, अभी देखा ब्रह्मपुत्र कितना दूर उससे निकल रहा था, ठीक है ना, चेम यांगदुंग ग्लेशियर से, ठीक है, मानसरोवर बोला, और तीस्ता कहाँ से निकल रहा है, ईस्ट हिमालय, और वो कहाँ से निकल रहा था भैया, वो कैलाश रेंज से, तो ये तो एकदम गलत हो गया, ठीक है, और सिक्किम से जाती है ये सही है, लेकिन गलत है पहला। उसका ऑप्शन में बोल रहा है कि रंगीत नदी, ठीक है, क्या बोल रहा है पहला ऑप्शन, क्या गलत, क्यों गलत था, बोला कि जो तीस्ता का सोर्स है वही ब्रह्मपुत्र का सोर्स है। अभी हमने तीस्ता के बारे में डिटेल में देख लिया, ब्रह्मपुत्र के बारे में, और कहीं मैंने नहीं बताया कि दोनों एक जगह है। अब वैसे भी देखो ये इंडिया है हमारा, ठीक है, थोड़ा बढ़िया बना देता हूँ, तो आप लोग बोलेंगे सर मैप भी बनाने नहीं आता, आता है लेकिन जल्दी जल्दी बनाते हैं, इसलिए सुंदर बना रहे हैं अब, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका, यहाँ से तीस्ता निकल रही है, ठीक, और मानसरोवर जो यहाँ पे आपको निकल रहा है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, मानसरोवर यहाँ से जो चेम्यांगदुंग से, दोनों कितना दूर दूर है, ठीक है। तो ये हुआ, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब बाद अब ऑप्शन में क्या क्या उल्लेख है, रंगीत नदी के बारे में उल्लेख है, ठीक है, और देखो दूसरा तीसरा ऑप्शन तो आपको गलत ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि बोल रहा है रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल, बताओ ये बताओ कि तीस्ता नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, नहीं ना, वो कहाँ गिरती है, वो तो भाई मिलती है ब्रह्मपुत्र से, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो रंगीत नदी के बारे में था, तो रंगीत नदी के बारे में देख लीजिए, रंगीत नदी जो है इसका उद्गम स्थल है कबरू माउंटेन, आपसे पूछ सकता है भाई कबरू माउंटेन कहाँ पे है, तो कबरू माउंटेन वेस्ट सिक्किम में, पश्चिमी सिक्किम में जो कंचनजंगा है दोस्तों, ठीक है, वो आप वहीं पे आपका कबरू माउंटेन है, वहीं से आपको रंगीत नदी निकलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कबरू नदी, कबरू माउंटेन दे देगा, ठीक है, पान होनरी माउंटेन दे देगा, कहाँ पे है भाई पता होना चाहिए। तो रंगीत नदी जो है वो सिक्किम और दार्जिलिंग, मतलब वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग है और सिक्किम जो है एक अलग राज्य है, दोनों का सीमा रेखा बनाती है, ठीक है, समझ गए, और ये जो है सहायक सहायक नदी है।
रात एक में फ्राई करते हैं और वो आलू बना देते हैं और मंडे खाना तैयार करते हैं और ये चाय बना देते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाइएगा, सात आठ बनाइएगा और थोड़ा बड़ा बड़ा साइज बनाइए, पचास किलो और पचास पचास ठीक है दोस्तों। तो देखो क्या बोल रहा है कि रंगीत नदी का उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, तो ये तो पता है ना तीस्ता नदी की सहायक नदी है, ठीक, और सिक्किम में होता है। अभी हमने देखा, देखा कि नहीं देखा कि ये जो है आपका वेस्ट सिक्किम कंचनजंगा में जो कबरू माउंटेन है वहाँ पर निकलती है। सबका ध्यान खाने पे आए, पढ़ाई पे नहीं। कौन सा सही है बताइए? टमाटर का मैं बनवा रहा हूँ, देखो क्या क्या, धनिया और टमाटर का चटनी, चाय, ठीक है, और वो क्या उसको बोलते हैं आलू चॉप। ठीक है, मैं खाने के शौकीन हूँ, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो 30 का जो है आंसर ये हमारा सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही बताइए? केवल टू ओनली, समझ में आ रहा है? क्लियर, तो टू ओनली हमारा, ठीक, क्लियर, समझ गए? तो 30 का क्वेश्चन समझ गए ना। अब देखो एक आया था दोस्तों इंडियन ओशियन डाइपोल से क्वेश्चन आया था, तो उसका जो है वो भी देखते हैं कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा देखते हैं। एक मिनट रुकिए, थोड़ा देखते हैं। ठीक है, चलो आगे ये भी कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का ही है। मेडिटेरेनियन सी इज ए बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, पूरा मेडिटेरेनियन सी किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है? ठीक है, सबसे पहले देखो लेबनन, कहाँ पे भाई लेबनन? इजराइल के ऊपर लेबनन है। ठीक है, बाउंड्री शेयर करेगा, करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है? इराक, इराक आप देख रहे हो, इराक भाई तो कहाँ, वो बाउंड्री तो शेयर ही नहीं करता है ना, तो कोई मतलब नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक, जॉर्डन, जॉर्डन कहाँ है, जॉर्डन कहाँ से बॉर्डर शेयर कर लेगा? राइट, जॉर्डन भी नहीं करेगा क्योंकि जॉर्डन को लेबनान जो है घेर लेता है। ठीक है ना, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, और सीरिया आपको पता है आईएस है ना, टर्की और सीरिया में कुर्द लोग जो है चलते रहता है बातचीत। ठीक है, तो ये हमारा सही है, आंसर होगा 3 और 4। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं जानना है, डिटेल में पढ़ना है मेडिटेरेनियन सी के बारे में। ठीक है, तो देखो मेडिटेरेनियन सी को हिंदी में कहते हैं भूमध्य सागर। ठीक है, ये 3 कंटिनेंट को घेरता है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। तीनों कंटिनेंट जो है, तीनों कंटिनेंट के देश इसमें आते हैं। तो अफ्रीका से कौन कौन सा आता है? मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, टूनीसिया और इजिप्ट, ये देश। अभी हम मैप में भी आपको दिखा दे रहे हैं। ये क्या हो गया? ये ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है सबको? देखिए
ये हमारा मेडिटेरेनियन, ये थोड़ा अच्छा वाला मैप लेते हैं ठीक है, ताकि इस मैप के थ्रू आर हम आपको चीज़ बता दें, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ठीक है, दिख रहा है सबको साफ साफ। देखो ये मेडिटेरेनियन सी है, तो आप देख रहे हो ये हमारा अफ्रीका का एरिया, ये एशिया का एरिया ठीक है, ये एशिया का एरिया और ये यूरोप का एरिया इसको घेरता है ठीक है, तो तीनों चीज़ पता चल गया। उसके बाद देखो अगर हम अफ्रीका से बात करेंगे, देखो मोरक्को है, अल्जीरिया, टूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, ये पांच देश हैं ठीक। अगर एशिया से बात करेंगे तो देखो ये इजराइल, पूरा इजराइल है ठीक है, उसके ऊपर है लेबनान और उसके ऊपर है सीरिया ठीक है, तीनों करेगा ठीक है। जॉर्डन कहीं भी आपको दिख रहा है? नहीं ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो साइप्रस है ठीक है, सी ऑफ क्रेट, सी ऑफ क्रेट पूछता है क्वेश्चन, न्यूज़ में भी था क्रेट सी। अभी आपको पता है कि ग्रीक का जो शायद प्रधानमंत्री या भारत आया है ना, तो बातचीत चल रहा है, तो क्रेट सी न्यूज़ में भी था ठीक है, तो देखो सी ऑफ क्रेट यहाँ पे। अब देखो ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है लेकिन उसको अलग अलग बांटा है, ये टायरेनियन सी है, ये आयोनियन सी है। देखो इटली के बगल में, याद रखो इटली के एक तरफ है एडियाटिक सी और दूसरी तरफ टायरेनियन सी। यूपीएससी में मैपिंग का क्वेश्चन कैसे बनता है प्री एंड मेंस में? कैसे बनता है? पढ़ने से बनता है और कैसे बनता है, ये कैसा क्वेश्चन है भाई कि क्वेश्चन कैसे बनता है? अच्छा क्वेश्चन कैसे बनता है वो पूछ रहे हैं। क्वेश्चन जनरली न्यूज़पेपर से बनता है, जैसे अभी आपको पता है कि न्यूज़ में क्या रहा, यूक्रेन बहुत न्यूज़ में है ठीक है, प्लस आपको रवांडा न्यूज़ में है पता होना चाहिए ठीक है, उसके बाद इजराइल फिलिस्तीन तो दुनिया भर का एकदम न्यूज़ में है ठीक है, लक्षद्वीप न्यूज़ में है, समझ गए? तो जो जो न्यूज़ में एरिया है उससे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, मालदीव्स न्यूज़ में है ठीक है, फिर देखो टर्की न्यूज, उसके बाद देखो कौन कौन सा और देश इसमें बाउंड्री शेयर करता है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया, मॉन्टीनेग्रो, अल्बेनिया, ग्रीस, ये सारा है ठीक, तो ये याद होना चाहिए। अब इसको हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसको हम जो है उस नोट्स में अटैच कर देते हैं ठीक है, ताकि आप इसको हम इसको अपने नोट्स में ऐड करते रहें। ये इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पेज छोड़ा भी था ठीक है, यहाँ पे इसको हम ऐड किया जाए, यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं नोट्स में। ठीक है हो गया, ये नोट्स कंप्लीट। नहीं अब डायरेक्ट आप नोट्स पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है ठीक है। चलो हो गया ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया ठीक है, लेबनन और सीरिया, लेबनन के ऊपर सीरिया, वो इजराइल, ये सब कंट्री और बाकी हम लोग यूरोप में देख लिए, आंसर क्या होगा 3-4, कहीं भी हमने जॉर्डन का नहीं देखा और कहीं भी इराक हमने नहीं देखा। वेस्ट एशिया को बैन करने का जरूरत है कि उसको सुधारने की जरूरत, बैन कैसे कर सकते हो यार, इंडिया। अब देखो अब हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ओशन डायपोल के एक क्वेश्चन आया है, वो कहाँ है थोड़ा देखते हैं, वो अच्छा क्वेश्चन आया था, वो देखते हैं
इंडियन ओशन डायपोल ऑलरेडी हमने ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया है, ठीक है। देखो रेड सेंडर से पूछा क्वेश्चन, लाल चंदन, रेड सेंडर से एक जानवर भी होता है, मतलब सॉरी पक्षी होता है, रेड सेंडर या लाल चंदन, बोल रहा है कि साउथ इंडिया में पाया जाता है, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोल रहा है। अभी हमने देखा ना चंदन पेड़ कहाँ, आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में वर्षावन मिलता है क्या, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मैं अभी वो ये कुछ टॉपिक नहीं कवर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे एनवायरनमेंट में। तो अब एक चीज़ दूसरे से लिंक होता है, समझ रहे हो, बस आप जितना अच्छे से हम बता दे रहे हैं आपको उसको खाली रिवाइज करके चले जाएंगे ना। अब हम लोग देखो 1 मार्च से हम लोग जो है सिलेबस रिवाइज करेंगे, पढ़ा दिए हैं हमने आपका, इन्वायरमेंट हो गया है, ज्योग्राफी हो गया है, मतलब इन्वायरमेंट आपका हो जाएगा संडे तक, फिर ज्योग्राफी आपका हो गया है, ठीक है, पॉलिटी मैंने पहले वहाँ पे पढ़ाया है तो उसको दोबारा से हम रिवीजन के मोड में उसको कर लेंगे, ठीक है। ये बता कुछ उसके बाद तो हम लोग जो है शुरू करेंगे, कहाँ गया यार वो इंडियन ओशियन डाइपोल, बताइए कोई को क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दिख कहाँ गया, किसी को पता है तो बताओ, सेट ए है मेरे पास, कौन, एक मिनट थोड़ा सी देखता हूँ ध्यान से, इंडियन ओशियन डायपोल पूछा है, एक मिनट रुकिए मुझे टाइम दीजिए, तुरंत देख लूँगा। थोड़ा वेट कीजिए, कौन सा क्वेश्चन था बताइए तो, हाँ गूगल में है उसी को हम करा दे रहे हैं कोच के, आप सोचे कि यहाँ पे देख जाएगा 17 सेटे का, कहाँ है 17, 17 तो ये है मेरे पास, सेटे है, चलो गूगल में ही सर्च करके कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तो मिल नहीं रहा है वैसे, है कौन सा किधर गया वो यार, चलो छोड़ो यहाँ पे गूगल पे कर लेता हूँ और खुद मिल जाएगा, ठीक है, विथ रेफरेंस टू, देखो क्वेश्चन देखो,
देखिए दोस्तों, अब देखो बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन ओशन डायपोल IOD एंड, इसको फोटो खींच लेता हूँ, चलो दिख रहा है ना। और विथ रेफरेंस टू द इंडियन ओशन डायपोल एंड अल नीनो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अल नीनो और इंडियन ओशन के बारे में है, ठीक है। हाँ, इसमें नंबर नहीं मेंशन कर पाया, ठीक है। तो इंडियन ओशियन डायपोल, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि कौन सा जो है इंडियन ओशियन डायपोल अल नीनो के बारे में, ठीक है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इंडियन ओशियन डायपोल अल नीनो के बारे में देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन ये आपके लिए एकदम रहेगा हलवा हलवा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले, देखो इंडियन ओशियन डायपोल अल नीनो जो है वो हम लोग जो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या होता है, ये हमारा इंडिया है, ठीक, और ये पूरा आपको पता है कि इंडियन ओशियन है, ठीक है। ये दिल बन गया यार, कोई नहीं। इंडियन ओशियन जो डायपोल है, इसका जो अगर दो पार्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा ईस्ट इंडियन ओशियन, ईस्ट पूर्वी हिंद महासागर, ठीक है, और इधर हो जाएगा वेस्ट इंडियन ओशियन, ठीक है, ये हो गया। जब हमारा वेस्ट इंडियन ओशियन ये वाला पोर्शन अगर गर्म होगा, ठीक है, और ईस्ट वाला ठंडा होगा, तब हम लोग उसको बोलेंगे पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। तो क्या होता है कि इंडियन ओशियन पूरा एक जैसा नहीं होगा ईस्ट से वेस्ट, क्योंकि आप देख रहे हो कि इंडियन ओशियन जो है वो थोड़ा क्या है, उसका लेटरल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, प्लस ज़मीन उमीन है ना। अब देखोगे पैसिफिक ओशियन के भी अगल बगल उतना ज़मीन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप देखो इंडियन ओशियन ही ऐसा ओशियन है जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, खाली साउथ की तरफ खुला है, बाकी देखो पूरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ पूरा घिरा हुआ है। तो उसके कारण इंडियन ओशियन में टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाता है और दो पोल बन जाता है, जिसको डाईपोल बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर अगर हमारा वेस्ट इंडियन ओशियन अगर गर्म होगा और ईस्ट इंडियन ओशियन ठंडा होगा, तब उसको बोलेंगे पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल, ठीक। तो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल जब भी होगा, जब हमारा ईस्ट की तरफ ठंडा होगा, वेस्ट की तरफ गर्मी होगा, जैसे कि ये हमारा इंडिया है तो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तब इधर हमारा जब कोल्ड होगा, इधर जब हॉट होगा, ठीक है, तब हमारे लिए बढ़िया है, ठीक है। और उससे जब भी उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल, जब हमारा वेस्ट इंडियन ओशियन गर्म होगा, ठीक, और ईस्ट वाला ठंडा होगा, तो उस समय वर्षा अच्छा होता है। तो देखो ये जो बाबू सोना है वो हंस रहा है, क्यों क्योंकि इधर वाला जहाँ भी, याद यहाँ एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो, जो जहाँ भी गर्म होगा, जहाँ भी जहाँ का पानी गर्म होगा वहीं पे बारिश होगा, क्योंकि जब भी पानी गर्म होगा तो वो भाप बन के ऊपर उठेगा और बादल का निर्माण करेगा। तो जहाँ भी गर्म चीज़ होगा इसका मतलब वहाँ बारिश हो रहा है, ठीक है। तो जब भी इंडियन ओशियन वेस्ट में गर्म होगा तो उस समय हम लोग को बारिश अच्छा इंडिया में होता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। फिशिंग जोन नहीं, फिशिंग जोन वहाँ होता है, फिशिंग जोन जहाँ पे कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलता है, ठीक है, जैसे नीचे से आ रहा है ठंडा करंट और ऊपर से आ रहा है गर्म करंट जा रहा है, तो जहाँ पे मिलेगा तो उसको बोलते हैं। या देखो लैब्राडोर करंट इधर से आ रहा है, इधर से हमको गल्फ स्ट्रीम मिल रहा है, ठीक है, तब तो जहाँ पे कोल्ड करंट वार्म करंट मिलता है वहाँ पे होता है, ठीक है। जैसे कुरासियो करंट, ओइसियो करंट मिलता है जापान के ईस्ट की तरफ, अमेरिका के ईस्ट की तरफ मिलता है लैब्राडोर करंट ऊपर से, इधर से गल्फ स्ट्रीम तब, पेरुवियन करंट मिला, ठीक है, और उधर से ब्राजीलियन मिला, तो हम्बोल्ट करंट जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है एरिया अर्जेंटीना के ईस्ट की तरफ, तो वहाँ पे खूब अच्छे से फिशिंग होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो बात हम नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो, हाँ ठीक है, चलो। अब देखो तो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल, ठीक है, जहाँ बादल होगा, यहाँ बारिश अधिक होगी इंडिया में उस समय, वहीं जब वेस्ट इंडियन ओशियन ठंडा होता है और इधर गर्म होता है, इधर हो जाएगा कोल्ड, इधर हो जाएगा हॉट, तब उस समय बारिश इंडिया में नहीं होगा। तो देखो ये रो रहा है,
उसको लानीना बोलते हैं, ठीक है, लानीना उसमें अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया थोड़ा, ये लानीना होगा कम, ठीक, लानीना मतलब जब भी बारिश अधिक होती है तो उसको लानीना बोलते हैं, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल क्या हो गया, जब वेस्ट में हमारा ज़्यादा गर्म होगा, ईस्ट ठंडा होगा, तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होगा, अलिनो नहीं होगा, वर्षा अधिक होगी। ठंडा जब हो जाएगा वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ गर्म, तो उसको नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं, उसमें वर्षा कम होगा और लानीना होगा, ठीक है। चलो अब देखो अलिनो क्या होता है, तो अलिनो होता है प्रशांत महासागर में, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जब प्रशांत महासागर जो होगा पैसिफिक ओशियन, ये आपको पता है कि ये हमारा अगर मैप देखें तो ये अगर हमारा एशिया है, ठीक है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो यही हमारा हो गया प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में जब ईस्ट की तरफ इधर जब गर्म होगा और इधर ठंडा होगा, ठीक है, तो इसको अलिनो बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी अलिनो होगा तो बारिश इंडिया में नहीं होता है, बारिश होता है चिली के कोस्ट पे इधर, क्योंकि यहीं पे आपका गर्म है, समझे। तो अलिनो में क्या होता है कि ईस्ट की तरफ गर्म होता है, तो ईस्ट प्रशांत महासागर किधर है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, तो यहाँ गर्म है तो यहीं बारिश होगा, और इधर ठंडा है, ठीक है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जापान की तरफ और इंडिया में भी बारिश नहीं होता, उसको अलिनो बोलते हैं। अलिनो को अलिनो साउदर्न ऑसिलेशन भी बोला जाता है। लानीना उल्टा हो जाएगा, लानीना में क्या होगा, हमारा जो ईस्ट पैसिफिक ओशियन है वो ठंडा हो जाएगा, कोल्ड, और वेस्ट वाला गर्म हो जाएगा। और पैसिफिक ओशियन के ही बगल में इंडियन ओशियन है, तो वहाँ भी जो है बारिश होती है, ठीक है, इधर भी बारिश होगी, ठीक है, वेस्ट पैसिफिक ओशियन में बारिश होगी। अब चिली और पेरू कोस्ट पे ठंडा पड़ता है, सूखा होता है, ड्राई सूखा, ठीक है, समझ गए। तो ये है अलिनो लानीना। अलिनो मतलब जहाँ भी याद रखो कि ईस्ट पैसिफिक ओशियन अगर गर्म हो गया तो यहाँ बारिश यहीं हो जाएगा, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा मतलब इंडिया में नहीं होगा। कितना मिर्चा डाल दी बाप, लानीना इतना मिर्चा डाल दी कि आप कभी बोलोगे नहीं वो बनाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, आलू चॉप। लेकिन मैं भी तेज, मैं क्या करूँगा कि निकाल के मिर्चा खा लूँगा आलू चॉप, ठीक है। और जब वेस्ट पैसिफिक ओशियन क्या होगा और लानीना में क्या होगा, ईस्ट पैसिफिक ओशियन जब हमारा ठंडा होगा और वेस्ट पैसिफिक ओशियन जब गर्म होगा, ठीक है, तो वो होगा लानीना, और लानीना में बारिश होता है भारत में बढ़िया, ठीक है। तो अलिनो का उल्टा क्या हो गया, लानीना हो गया, समझ गए, समझ गए ना। तो हम बोल सकते हैं कि जब जहाँ भी गर्मी होगा वहाँ बारिश ठीक होगा। तो एक लाइन में याद कर लो, ईस्ट पैसिफिक ओशियन जब आपका हॉट रहेगा तब उसको बोल देंगे अलिनो, बस इतना याद कर लो। तो लानीना इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। बस एक याद कर लो कि अलिनो जो होता है उसमें ईस्ट पैसिफिक ओशियन जो पूर्वी प्रशांत महासागर होता है ओशियन, वो बस गर्म होता है, बाकी सब उल्टा, वेस्ट वाला ठंडा हो जाएगा, लानीना इसका उल्टा हो जाएगा, एक याद कर लो। चलिए समझ गए। तो ये अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन, अच्छा इसमें क्वेश्चन जो था हमने ये किया था, राइट, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि वाइल द अलिनो काउजेज द वार्मिंग ऑफ द सर्फेस ऑफ द पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन डाइपोल काउजेज वार्मिंग ऑफ द इंडियन ओशियन। बोल रहा है अलिनो के कारण हमारा पैसिफिक ओशियन जो है गर्म हो जाता है और इंडियन ओशियन डाइपोल जो है वो गर्म हो जाता है। देखो अलिनो के कारण पैसिफिक ओशियन गर्म थोड़ी हुआ, पूरा पैसिफिक ओशियन थोड़ी गर्म हुआ, खाली ईस्ट वाला गर्म हुआ, राइट। और इंडियन ओशियन डाइपोल के कारण कौन सा डाइपोल पॉजिटिव होगा तब डाइपोल होगा, वो भी ईस्ट वाला गर्म होगा, वेस्ट वाला गर्म होगा, ईस्ट वाला ठंडा होगा। इसलिए हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्तों, गलत करेंगे, ठीक है।
उसके बाद बोल रहा है कि वाइल द अलिनो ऑलवेज ब्रिंग्स रेनफॉल डेफिसिट इन इंडिया, आईओडी ऑलवेज ब्रिंग मोर रेनफॉल इन इंडिया। देखो जब अलिनो आएगा तो भारत में सूखा आता है, ये तो ठीक है, ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि यार इंडियन ओशियन डाइपोल आएगा तब भारत में बारिश होगा, हमेशा ऐसा नहीं है। मान लो इंडियन ओशियन डाइपोल पॉजिटिव है और अलिनो जो है, इंडियन ओशियन डाइपोल पॉजिटिव है तब बारिश होगा ना, अगर इंडियन ओशियन डाइपोल नेगेटिव है तब बारिश तो नहीं होगा, बात समझे। अगर इंडियन ओशियन डाइपोल पॉजिटिव है तब बारिश होगा ना, नहीं तो अगर इंडियन ओशियन डाइपोल नेगेटिव है तब तो बारिश नहीं हो रहा है, समझे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर मान लो कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, इंडियन सिर्फ और सिर्फ इंडियन ओशियन डाइपोल लिख दिया है और कुछ नहीं लिखा है, तो हम मान के चलेंगे कि वो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल का बात कर रहा है। ये दिमाग में आप बात फिक्स कर लीजिए कि जब भी इंडियन ओशियन डाइपोल लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा है पॉजिटिव या नेगेटिव, तब हम उसको मान के चलेंगे इंडियन ओशियन डाइपोल पॉजिटिव, ठीक है। क्यों ऐसा मान के चलेंगे, ऐसे माना नहीं चाहिए, लेकिन यूपीएससी ने ऑप्शन टू को सही माना है। इसका मतलब यूपीएससी ये मान रहा है कि इंडियन ओशियन डाइपोल हम जहाँ लिखे हैं इसका मतलब तुम मान के चलो कि वो पॉजिटिव हम माने, ठीक है। और यूपीएससी मान लिया है तो फिर हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर में वो इसी टाइप का देगा, और ये एक बार मान लिया है तो वो, लेकिन अगर यूपीएससी क्या करेगा फ्यूचर में जब क्वेश्चन देगा तो वो पॉजिटिव लिख देगा ताकि कोई बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारा सही है कि अलिनो के कारण हमेशा भारत में सूखा होता है, और जब भी इंडियन ओशियन डाइपोल आता है पॉजिटिव वाला खासकर, तो वो हमेशा बारिश होता है, तो ये एकदम सही है, ठीक। तो आंसर होगा ये टू, समझ गए, सबको समझ में आया, बताइए सभी बच्चे को समझ में आ गया क्वेश्चन। तो आज हम लोग दोस्तों यहीं तक रखते हैं, ठीक है। हमने जो है 11-12 क्वेश्चन आज डिस्कस किया, और इसका जो PDF है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे रहे हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डाल दिया हूँ, वहाँ पे आप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट कल मिलेंगे दोस्तों, तो ज्योग्राफी का भी हम लोग का सीरीज है 1 वीक करके करेंगे, ठीक है। एक एक करके थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, अभी ज्योग्राफी कर रहे हैं, फिर हम लोग जो है इन्वायरमेंट करेंगे, फिर पॉलिटी, ऐसे करके सब धीरे धीरे कम्प्लीट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये बताइए कि अच्छा लगा आज का क्लास, अब लग रहा है कि नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, जल्दी क्लास भी ख़त्म हो गया आज, ज़्यादा समय भी नहीं लगा, 1.25 घंटा लगा, और हम लोगों ने बहुत उसमें पढ़ लिया, ठीक है। अब ब्रेक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी बीच बीच में, और क्वेश्चन भी डेली आपका प्रैक्टिस हो ही रहा है। चलिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। एग्रीकल्चर का नोट्स जो है हम आपको दे रहे हैं। एक रिक्वेस्ट दोस्तों, ज़रूर अपना कम से कम जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, ज़रूर जो है अपना स्टेटस, व्हाट्सएप का स्टेटस 0IS लिंक डाल के लगा दीजिए, और लिखिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बस यही बोल रहा हूँ आपसे, एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, याद रखिए सैटरडे संडे को हम लोग मैराथन का क्लास लेंगे, ठीक है, और डेली हम लोग जो है PYQ को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, ठीक है। और 1 मार्च से हम लोग रगड़ के डेली जो है रिवीजन करेंगे, डेली आपका 4 से 5 घंटे का क्लास होगा, जिसमें हम लोग पूरा जो है डेली रिवाइज करेंगे 4 से 5 घंटा डेली, ठीक है, ताकि आपको कम से कम एग्जाम के पहले 4 से 5 बार रिवीजन अच्छे से हो जाए, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।